सड़क के निर्माण में जा रही जमीन नहीं मिल रहा मुआवजा। जिला अमरोहा में आज जिला अधिकारी को ढकिया चमन थाना डिडौली अमरोहा निवासी आफताब आलम, ग्राम प्रधान और उनके साथ में आए हाजी इरफान, तहबूल हसन, अब्दुल हकीम, इस्तकार बाबू आदि, इन सभी लोगों का कहना है कि जो मुरादाबाद से दिल्ली हाईवे पर सड़क बन रही है उसमें हमारी वसीकत की जमीन जा रही है, जिसका हमारे पास बैनामा भी है। बैनामा होने के बाद भी हमारी जमीन को तालाब की जमीन में बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान आफताब आलम ने बताया कि अगर हमारी जमीन सरकार छीन रही है तो हमें जमीन का मुआवजा सही तरीके से मिलना चाहिए और हम जिलाधिकारी से न्याय की अपील करते हैं। प्रधान जी ने कहा कि अगर हमारी जमीन का मुआवजा हमें नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ रहते हो आप? तहसील कौन सी पड़ती है? बताइए कैसा आना हुआ? थोड़ा सारे गांव को लेकर अभी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किस चीज़ का? पूरी बात बताए। सड़क का, सड़क में जो गांव जा रहा है तो उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी लोग सारे एक साल से सब चक्कर काट रहे हैं। कोई भी कह देता है ऑटो ऐसे, मगर कोई भी मुआवजा देने के लिए तैयार ना। कुछ जो गांव में सारा होता है ना, पहले 28 नंबर में था, वो फिर इन्होंने 33 नंबर में कर दिया। खुद ही अपना जो इनका मन चाह रहा है वो हो रहा है। कौन कर रहा है इस तरह से? जो NHI के अधिकारी लोग, पहले जो थी लिस्ट बन के आ गई थी लोगों की, ना अभी नए मुआवजा मिलेगा, फिर उसके बाद में ना अभी आप तालाब में दर्ज हो गए हो उसके बाद में। अच्छा, जिनकी जगह बैनामे भी हैं, सब बैनामे भी हैं, सब कुछ है उनके। तो अब आप DM साहब से मिले हैं, क्या DM साहब ने SDM साहब से मिलने के लिए कह दिया।